गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक सबके कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 12। 20 के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है और ये बोर्ड में एक नंबर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 के जो 20 के क्वेश्चन हैं, इसको हम कोचिंग में एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होने की वजह से मैं आपको सारे पॉइंट्स को वीडियो के थ्रू नहीं समझा पाऊँगा, इसलिए हम इन चार क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं और इनको चार क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे जब तक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन कर रहा हूँ और 11 और 12 क्वेश्चन कम्प्लीट होने के बाद हमें होमवर्क में आगे के दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 हमें होमवर्क में करना है और साथ में इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 12, 13 और 14, ये चारों क्वेश्चन भी हमें होमवर्क में करने हैं। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखें और अगर तब भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, और उसके बाद जब हम कोचिंग स्टार्ट होगी तो हम सारे क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ इन क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो पहले 12 देखते हैं उसके बाद 11। 12 क्वेश्चन है, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। सिंपली हमें क्वेश्चन में करंट रेशियो कैलकुलेट करना है और करंट रेशियो का फार्मूला अब हमें लर्न हो चुका होगा। करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, राइट। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें इस क्वेश्चन में करंट एसेट की ज़रूरत भी है और करंट लाइबिलिटीज़ की ज़रूरत भी है। लेकिन आप क्वेश्चन चेक करिए, क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज़ तो गिवन है। करंट लाइबिलिटीज़ कहाँ गिवन है, ट्रेड पेबल्स हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती है। इस क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज़ तो गिवन है लेकिन इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स गिवन नहीं है, क्लियर। तो हमें पहले वर्किंग कैपिटल की हेल्प से करंट एसेट कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद करंट रेशियो का फार्मूला यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग कैपिटल क्या पॉइंट होता है इसको समझते हैं। चलिए आंसर चेक करते हैं। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब वर्किंग कैपिटल की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 480,000, करंट एसेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है और करंट लाइबिलिटीज़ की अमाउंट भी क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख ट्रेड पेबल्स की और बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 40,000। तो हमने करंट लाइबिलिटीज़ की अमाउंट और वर्किंग कैपिटल की अमाउंट बुक्स से देखकर, अपने क्वेश्चन से देखकर हमने पुट कर दी और इसकी हेल्प से हमने करंट एसेट को सॉल्व कर लिया। 480,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, 2 लाख प्लस 40 कितना हो गया 2,40,000। करंट एसेट इज इक्वल टू 480,000, ये माइनस के है, इज इक्वल टू के साइड में आने के बाद ये बन जाएगा हमारा प्लस का साइन। तो 480 प्लस 240 कितना हो गया 7,20,000। अब हमें सिंपली अपना करंट रेशियो कैलकुलेट करना है और करंट रेशियो का फार्मूला हमने यूज़ करा, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है 7,20,000 और करंट लाइबिलिटीज़ की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है कितनी 2,40,000। डिवाइड करा और तो हमारा आंसर आ गया 3:1, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में गिवन है कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। सेम 12 की तरह ही 11 है लेकिन 12 और 11 में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में करंट डायबिटीज़ की अमाउंट सिंपली गिवन थी, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ बन गई थी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास ना तो करंट एसेट गिवन है ना करंट लाइबिलिटीज़। आप चेक करिए, वर्किंग कैपिटल गिवन है, लॉन्ग टर्म डेब्ट गिवन है और टोटल डेब्ट गिवन है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट करेंगे, फिर वर्किंग कैपिटल का फार्मूला यूज़ करके करंट एसेट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में टोटल डेब्ट गिवन है। टोटल डेब्ट का मतलब क्या होता है, टोटल डेब्ट का मतलब होता है करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़, दोनों को ऐड कर लिया जाए तो वो बन जाता है टोटल डेब्ट, क्लियर।
लायबिलिटीज़ हमारी टू टाइप्स की होती है, एक होती है करंट लायबिलिटीज़ और एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो अगर हम करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है टोटल डेब्ट। अच्छा, आप क्वेश्चन में और क्या गिवन है, क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेब्ट भी गिवन है। लॉन्ग टर्म डेब्ट का दूसरा नाम क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज़। अगर टोटल डेब्ट में से हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर लें तो क्या बन जाएगा, करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास फाइंड हो जाएगा। चलिए आंसर चेक करते हैं इसका। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज़ का फार्मूला यूज़ करा, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। टोटल डेब्ट की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख, लॉन्ग टर्म डेब्ट की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 80,000। टोटल डेब्ट में से हमने लॉन्ग टर्म डेब्ट माइनस करा तो क्या बन गया, वो हमारा करंट लायबिलिटीज़ फाइंड हो गया। लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज़। अब हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ फाइंड हुआ कितना, 1,20,000। अब हमने क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बन चुका है, वर्किंग कैपिटल फार्मूला यूज़ करा, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल की अमाउंट क्वेश्चन में गिविन है, करंट लायबिलिटीज़ की अमाउंट अभी हमने यहाँ से फाइंड कर ली और करंट एसेट्स की अमाउंट क्वेश्चन में गिविन नहीं है और हमें इस क्वेश्चन में करंट एसेट पहले फाइंड करना है। तो करंट एसेट इज इक्वल टू 1,92,000, ये माइनस का साइन है, ये तरह के प्लस का हुआ, तो हमारे पास करंट एसेट कितना फाइंड हो गया, 3,20,000। अब हमने सिंपली करंट रेशियो का फार्मूला यूज़ करा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स की अमाउंट क्वेश्चन में अभी हम मिल गई 3,12,000 डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ की अमाउंट 1,20,000 यहाँ से फाइंड हुई है हमें, बस हमने इसको डिवाइड करा और डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ गया 2.6:1। आप इस क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार देखें, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे से दोबारा से पूछ सकते हैं। मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरे फार्मूले भी हैं, अगर आपको डाउट लगे तो मैं आपको दूसरी वीडियो बनाकर भी इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्लियर। अब होमवर्क पे हमें क्या करना है, होमवर्क में 11, 12 इन क्वेश्चन को दोबारा करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट 2 क्वेश्चन होमवर्क में करना है, और इलस्ट्रेशन नंबर 11, 12, 13, 14 ये चारों क्वेश्चन हमें अभी सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद आप मुझे इसका पिक लेकर मुझे सेंड करिए, कोई भी आंसर गलत होगा मैं आपको बता दूंगा। क्लियर। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जिनको वीडियो के थ्रू क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं वेल एंड गुड, जिनको समझ में नहीं आ रहे हैं उनको मैं बाद में कोचिंग में जब दोबारा से पढ़ाऊँगा तो उनको भी समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ हमारे लिए टफ नहीं है, बस हमें अभी टाइम निकालना है, जब हमारी कोचिंग स्टार्ट होगी तो हम सारे पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।